सारे एजुकेशनल चैनल्स और हमारे शिक्षक और सब लोग हमें डरा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इन क्लास 10 करने की कोई बात नहीं है, एक वर्ड है कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी तो शुरू से ही है ना, जब आप मेहनत करके पढ़ेंगे, जो बच्चा मेहनत करता है तो कॉम्पिटेंट है, दैट कॉम्पिटेंट वर्ड इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी। जब आप स्किल्स अगर आपको यूज करना आता है, आपने स्किल्स सिखा रहे हैं, स्किल्स आपको इसको अप्लाई करना आता है, पेपर पे लिखना आता है, तो नो फियर ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का दो ही अर्थ होता है, दो तरह के क्वेश्चन होता है, लोड्स एंड कोड्स, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो अब केवल बात इतना है कि जो ईमानदार बच्चे होंगे वो अच्छे से पास होंगे, और जो जैसे जैसे तुक्का लगाते थे उनको दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप ठीक से पढ़ते हो, अगर एक बार भी टेक्स्ट को आप लाइन बाय लाइन पढ़े हो, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आप उसके बारे में बता सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा था, अगर बुरा था तो क्यों, अच्छा था तो क्यों, कोई अगर कहानी में कोई विलेन है तो क्यों विलेन है, कोई हीरो है तो क्यों हीरो है, यही है कॉम्पिटेंसी। अगर आप एनालिसिस कर सकते हो तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से करने की कोई बात नहीं है।